क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब सिंह। नवाब सिंह जी, आप कहाँ से रिटायर हुए हैं? मैं भारत संचार निगम लिमिटेड से रिटायर हुआ हूँ एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ये जो आपने वेस्ट दिल्ली के अंदर विकासपुरी में इतना बड़ा संगठन बनाया, जिसको आप लगातार पदाधिकारी भी रहते हैं, इसका आपको कहाँ से आइडिया आया कि इसमें काम करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैंने नहीं बनाया है। मुझे तो ये संगठन पहले बन गया था, मैं बाद में जुड़ा हूँ, 2-3 साल के बाद जुड़ा हूँ। मुझे पता लगा कि मीटिंग हो रही है, हमारे विमल जी हैं, उन्होंने कहा संगठन की मीटिंग हो रही है समाज की, तो मैं जी ब्लॉक के GG2 वाले ब्लॉक में गया, मिसेज भी साथ में थी, तो सोचा समझा, मैंने कहा अच्छा है, हम मेंबर बन जाएंगे, तो उसके बाद हम मेंबर बन गए। और ये बात रही होगी शायद 91-92 की, 91-92, लगभग 30 साल पुरानी बात है, 28-27 साल पुरानी। हाँ जी, तो तब से आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं? नहीं, मैं 97 में जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद मैं लगातार कर रहा हूँ उसमें, बीच में 4 साल नहीं रहा हूँ, बाकी लगातार मैं इसी पद पर रहा हूँ महासचिव के। इस पद पर या ये जो काम करते समय आपको क्या कठिनाइयाँ महसूस हुई? देखिए, कठिनाई तो पहली तो ये थी कि DDA लैंड नहीं दे रहा था यहाँ पर, जो एप्लीकेशन गई थी वो DDA कह रहा था कि विकासपुरी में नहीं, आप द्वारका में ले लो, नरेला में ले लो, इधर ले लो, उधर ले लो। फिर हमने सोचा, आपने लैंड परचेज की है इसकी? जी, परचेज की है। आपने मतलब पैसा देके सरकार से खरीदी है? बिल्कुल, DDA से ली है। अच्छा, और क्या परेशानी आई? फिर परेशानी बाद में कोई नहीं आई, वो DDA की लैंड के लिए जरूर परेशानी आई। पैसा कहाँ से इकट्ठा किया है जमीन खरीदने के लिए? ये सब समाज ने दिया है, आपने मेंबरों ने दिया है, घर घर जाके मेहनत की? हाँ बिल्कुल, घर घर जाके पैसा रिक्वेस्ट की, जो मेंबर हैं उनसे और जो नई भी मेंबर हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी पैसा दिया। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद में ये बिल्डिंग और ये जो बुद्ध विहार आपने बनाया है इतना आलीशान जी, क्या समस्या आई? समस्या मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आई, पैसे की आती रही, लोग देते रहे और ये बनता रहा। इसका जो पैसे का हिसाब किताब है कैसे रखते हैं आप लोग? इसका देखिए, एनुअली हमारी इलेक्शन होता है, एनुअली हमारी हर एक प्रधान हर साल बदलता है आपका प्रधान? नहीं, प्रधान इलेक्शन होते हैं तो बदलते हैं, मतलब इलेक्शन हर साल होता है जी, यानी आपकी जो बॉडी है वो डेमोक्रेटिक है जी। और दूसरा मैं बताऊं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हमारे साल। अच्छा, आप रिटर्न भी भरते हैं जी, तो आप ऑडिट भी कराते होंगे हर साल? ऑडिट भी कराते हैं, साथ में हम रिटर्न भरते हैं और उसको शो भी करते हैं। हमारे ATG का सर्टिफिकेट है, वो अब 2011 से परमानेंट हो गया है। मतलब कोई पैसा देगा तो उसको 20% छूट मिलेगी? 50% पे रिबेट मिला, इनकम टैक्स की जो इनकम है वो 50% डिटेक्ट हो जाएगी स्टेट वे। चलिए चलिए, तो आपने इसका उद्देश्य क्या रखा, ये पूरे संगठन का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य एक तो धार्मिक है, जो आपने देखा बुद्ध विहार बन गया। सोशल है कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए, अगर किसी की समस्या है उसमें हेल्प की जाए, कोई बच्चा पढ़ने आता है उसको यहाँ रहने की सुविधा दी जाए, जो भी हमसे होता अब है वो। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे सामाजिक जो लोगों के कार्यक्रम है वो भी किए जा सकते हैं जी, कोई शादी वगैरह, ब्याह, शादी भी हो सकती है, वैसी सोशल गैदरिंग है वो भी हो सकती है, जागरूकता का भी काम हो सकता है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको आपको कैसा लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद आप ये जो काम करती है आपकी पूरी टीम, आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, ऐसा है, काम जो हो गया उससे काम सही हो गया तो हमें खुशी होती है, और हमारा ये भी आगे होता है कि और इसको बढ़ाया जाए, जैसे भी जब तक हम चल रहे हैं तब तक बढ़ाया जाए और लोगों को साथ में जोड़ा जाए, इसको देख के और भी लोग प्रेरित होते हैं तो वो भी सोचेंगे समझेंगे समाज के लिए। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि भाई अपनी तनख्वाह का 20% हिस्सा, 5% आप समाज के लिए लगाओ, तो वो भी इसमें शामिल है। कि आपकी क्या योजना है कि कोई बाहर से अगर कोई मुसाफिर आए या कोई यात्री आए तो उसको क्या यहाँ रहने की सुविधा कुछ शुल्क पे उपलब्ध होगी? हाँ बिल्कुल होगी, जो सुविधाएं उसमें करेंगे, और आगे जाके हम सोच रहे हैं कि एक मंजिल और बनाई जाए, कमरों का इंतजाम किया जाए, जो बाहर से आते हैं या कोई जरूरतमंद है तो उनके लिए कमरा, एग्जाम बच्चा देने आता है जी, कोई दिल्ली में किसी काम से आता है तो वो समाज का आदमी यहाँ रुक सकता है। इसके लिए मैं बता दूं, एक हमारे मिलने वाले थे, उनका बेटा था तो वो यहाँ 2 साल रहा है और वो यहाँ से BTC करके या JBT करके और वो सर्विस में लग गया, वो 2-2.5 साल रहा है, हमने उससे कुछ नहीं लिया। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो ये कब तक क्या बोलते हैं पूरा हो जाएगा लगभग? देखिए, ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और मुझे लग रहा है कि पैसा जैसे ही आएगा तो 6 महीने का काम है, तो इसका काम बढ़िया हो जाएगा, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है ठीक ठाक सा,
ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे भारत के और भी जो लोग संगठन चलाते हैं या कोई जमकर ऐसे बनाते हैं उनके लिए? हाँ जी, ऐसा है, संगठन वही चलते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, स्वार्थ के बिना संगठन चलते हैं। जहाँ स्वार्थ हो गया, बेईमानी हो गई, वहाँ कोई चीज़ बन नहीं सकती है, कुछ टाइम के बाद वो धराशायी हो जाती है। लोग जो आवागमन करते हैं, आते जाते हैं किसी काम से, वो अपने पैसे से करते हैं? जी, मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने आज तक एक नया पैसा क्लेम नहीं किया। संगठन के लोग ऐसे ही करते हैं, सुना है? हाँ, करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई क्लेम नहीं करते, मतलब उसका कोई क्लेम नहीं करते। जो हमारा खर्चा आने जाने का है वो हम खुद ही करते हैं, या कोई संगठन का सामान लाना है वो सब इसी में जाता, हम उसका कोई क्लेम नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके काम के लिए। धन्यवाद सर।